नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पेगासस जासूसी केस में अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। दरअसल एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कई फेमस और सीनियर जर्नलिस्ट के नाम भी लिस्ट में शामिल होने का मुद्दा उठाया है, जिसमें कथित तौर पर फोन टैपिंग का दावा किया गया। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार एन राम और उनके सहयोगी भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ पत्रकारों, वकील और राज्यसभा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। इस अर्जी में मांग की गई है कि मामले की जांच कोर्ट की निगरानी वाली SIT या किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच एजेंसी से कराई जाए। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिका पहुँच चुकी हैं। इसमें वकील ML शर्मा, CPM से राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, सीनियर पत्रकार N राम और शशि थरूर, एक्टिविस्ट परंजॉय ठाकुरता समेत 4 अन्य और एडिटर्स गिल्ड की याचिका शामिल है। जानकारी के मुताबिक इनमें से 3 सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच के सामने 5 अगस्त को लिस्ट की जाएंगी, बाकी को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। पेगासस मामला मानसून सेशन के दौरान संसद के दोनों सदनों में जमकर उठाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। पिछले महीनों के आखिर में कुछ मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने कहा था कि भारत में इसराइल की कंपनी के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए सैकड़ों मोबाइल नंबर्स की संभवतः निगरानी की गई है। इनमें 2 मंत्री, 40 से ज्यादा पत्रकारों, 3 विपक्षी नेताओं के अलावा कार्यकर्ताओं के नंबर भी शामिल हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मामले में विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।